गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू 3C लर्निंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पोएम द ट्रीज की समरी पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि लेसन नंबर 8 है। और यह है लेसन एडनी रिच द्वारा लिखा गया है, यानी कि द ट्रीज पोएम एंड एड्रिन रिच द्वारा लिखित है। और इस पोएम की हम समरी आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं। द पोएम द ट्रीज इज रिटन बाई एड्रिन रिच इज ए पोएम अबाउट डेकोरेटिव प्लांट्स। यह कविता द ट्रीज एड्रिन रिच द्वारा लिखित सजावटी पौधों के बारे में है। दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन हाउसेस इन स्मॉल पॉट्स एंड पैंस। ये पौधे घरों के अंदर स्मॉल पॉट्स गुलदस्ते और छोटे छोटे बर्तनों में उगाए जाते हैं। They are not useful for birds and insects. ये पौधे पक्षियों और कीटों के लिए लाभदायक नहीं है। The birds cannot sit on the branches. पक्षी इनकी शाखाओं के ऊपर बैठ नहीं सकते। The birds cannot sit on the branches. पक्षी इनकी शाखाओं पर बैठ नहीं सकते। Insects cannot hide. कीट इनके पत्तों में नहीं छिप सकते। Insect cannot hide themselves in them. पत्ते birds cannot sit on the ब्रांचेस। पक्षी इनकी शाखाओं पर नहीं बैठ सकते। इंसेक्ट कैन नॉट हाइड देम सेल इन देम। कीट इनके पत्तों में नहीं छिप सकते। दे डू नॉट गिव एनी सेड। ये पौधे कोई छाया नहीं देते। देयर ट्विग्स आर स्टिप्स। इनके पंख या इनके पत्ते या इनकी लकड़ियां अकड़ी हुई होती है। देयर ट्विंग्स आर स्टिप्स। ये अकड़े हुए होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं। देयर बग्स आर लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। देयर बग्स आर लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इनकी हालत ऐसे होती है जैसे कोई मरीज अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हो। देयर बग्स आर लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इनके हालत ऐसी होती है जैसे कोई नया नया मरीज अभी अस्पताल से छुट्टी होकर आया हो। दे आर डिवर्ड ऑफ लाइट्स। दे आर डिवर्ड ऑफ लाइट्स। लाइट इन तक नहीं पहुंच सकती। Their leaves rush towards the glass windows for lights. इनके पत्ते शीशे की खिड़कियों की ओर प्रकाश को पाने के लिए भागते हैं। Because they feel suffocated in their small pots and pans. छोटे छोटे बर्तनों और गमलों में इनका दम घुटता है। द पोएटेस इज सीटिंग इनसाइड हर रूम। कवित्री अपने कमरे में साइड में बैठी है। सी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वह लंबे पत्र लिख रही है। इट इज नाइट टाइम। यह रात्रि का समय है। सी फील
द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन रीचिंग इनसाइड हर रूम. सी फील्स, वह महसूस कर सकती है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, यानी कि पत्तों की और काई की सुगंध को वह अपने कमरे में महसूस करती है. कहने का भाव यह है, सी फील्स द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन रीचिंग इनसाइड हर रूम, कि वह अपने कमरे में बैठी हुई इन पत्तों की और काई की सुगंध को महसूस करती है. द पोएटेस लॉन्ग्स दैट दीज ट्रीज शुड स्ट्रीव टू गेट लाइट एंड देयर एंड एयर. द पोएट्स लॉन्ग्स, कवित्री की इच्छा है दीज ट्रीज शुड स्ट्रीव टू गेट लाइट एंड एयर, कि ये पौधे प्रकाश और हवा के लिए संघर्ष करें, ऐसी कवित्री की इच्छा है. तो बच्चों, आज हमने आपको द ट्रीज पोएम की समरी पढ़ाई, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोएम की समरी अच्छे से समझ में आई होगी. यदि आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सुझाव इस बारे में है तो वह आप हमें दे सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे. धन्यवाद.